हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या कह सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल को याद करने का ट्रिक। मतलब कि इस साइकिल में जितने भी यहाँ पे इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट्स को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं और उसमें जो भी एंजाइम्स इन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उसको किस तरीके से हम याद कर सकते हैं और क्या क्या टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और रिएक्शंस में किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्या चीज़ रिलीज हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आज हम आपको ट्रिक बताएंगे इसको याद करने का। तो आइए सबसे पहले ब्रीफ में जान लेते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पायरुवेट है ये कहाँ से आता है। ये जो ग्लूकोज है इसका जब ब्रेक डाउन होता है थ्रू द ग्लाइकोलिसिस अंडर एरोबिक कंडीशन, तो पायरुवेट में ये ब्रेक डाउन होता है। मीन्स ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होता है इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है पायरुवेट। मीन्स 2 पायरुवेट में टूटता है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल और यही पायरुवेट फिर कहाँ जाता है, टीसीए साइकिल में जाता है। तो ये पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और ये एसिटाइल को एंजाइम ए फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सलोएसिटेट के साथ कंबाइन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे कंडेंस होता है और क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है और ऑक्सलोएसिटेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो सिट्रेट जो बनता है वो यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये डिफरेंट जो इंटरमीडिएट्स आप देख रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, और ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल के जो आप इंटरमीडिएट्स देख रहे हैं सिट्रेट, सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट और अगेन ऑक्सलोएसिटेट, और ये ऑक्सलोएसिटेट फिर दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जो है कंबाइन होता है और अगेन सिट्रिक एसिड साइकिल जो है रिपीट होता है। तो ये हो गया सिट्रिक एसिड साइकिल। अब जानते हैं कि किस तरीके से इन इंटरमीडिएट्स को हम याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया हुआ है, ट्रिक टू रिमेम्बर टीसीए साइकिल। तो टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और 10 मॉलिक्यूल होते हैं साइकिल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे स्टेप्स को नंबरिंग कर दी है 1 से लेके 10 तक। तो ये जो है टोटल जो है 10 स्टेप्स होते हैं और 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे इनको तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल जो है ये पूरे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेप 1, 5, 6, 7 इस इरिवर्सिबल स्टेप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्टेप, तो पहले स्टेप में ये जो आप एरो की मार्किंग देख रहे हैं ये एरो की मार्किंग क्या है, 1-साइडेड है। और नेक्स्ट है फिफ्थ, तो ये जो फिफ्थ है यहाँ पे फिफ्थ स्टेप कौन सा है ये आप देख सकते हैं, ये फिफ्थ स्टेप में भी जो एरो की आप मार्किंग देख रहे हैं ये भी इसमें 1-साइडेड है। और सिक्स्थ और सेवेंथ स्टेप में भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप याद सकते हैं 1, 5, 6, 7 जो है इरिवर्सिबल स्टेप है, इसको याद रख लेंगे तो बाकी जो बचे स्टेप है मतलब रिवर्सिबल है। तो आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे जो एरो मार्किंग है यहाँ पे ये बोथ द साइड है। अब आते हैं इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट को इन इंटरमीडिएट्स को किस तरीके से याद रखना है। तो हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया हुआ है, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल, यहाँ पे इस तरीके से लिखे हुए हैं, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे O से क्या हुआ, O से हुआ ऑक्सलोएसिटेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सलोएसिटेट से, तो ऑक्सलोएसिटेट हुआ, O सिट्रिक, तो सिट्रिक से क्या हुआ, सिट्रिक से सिट्रेट हुआ, तो ये दूसरा जो है इंटरमीडिएट सिट्रेट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एसिड, एसिड का ए, तो एकोनिटेट, तो एकोनिटेट जो है जो सिस फॉर्म में है इसी कारण से इसको लिख रहे हैं सिस एकोनिटेट, तो एकोनिटेट आप याद रखिए, उसके बाद आपने इसमें सिस लगा दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस, इसका आई, आई से आइसोसिट्रेट, तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट आइसोसिट्रेट। ओ से ऑफ कोर्स क्या का ओ जो है ओ से ऑक्सलोसक्सिनेट, तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट ऑक्सलोसक्सिनेट। ए से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट सिली, सिली से क्या हुआ यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम ए, तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टूपिड, स्टूपिड से सक्सिनेट, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंटरमीडिएट है सक्सिनेट। देन एफ फनी, फनी से एफ यू से फ्यूमारेट, तो
तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं ये फ्यूमारेट और मॉलिक्यूल से मैलेट, तो यहाँ पे हुआ नेक्स्ट इंटरमीडिएट मैलेट, और मैलेट के बाद फिर अगेन जो है यहाँ पे यो ऑक्सलो एसिटेट, तो यहाँ पे ऑक्सलो एसिटेट, फिर उसके बाद इस तरीके से आप इंटरमीडिएट को इस ट्रिक की मदद से, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो एस है यहाँ पे, तो दोनों एस को किस तरीके से याद रखेंगे, तो सिली में आप देखना एस एल वाई है, तो यहाँ पे आप क्या रहोगे एस एल वाई, इसमें सक्सिनिल में भी है, तो इस तरीके से आप याद रखना सिली से सक्सिनिल को एंजाइम में पहले आएगा, सिली के बाद स्टूपिड तो ST है, तो यहाँ पे आप देखना सक्सिनेट, सक्सिनेट का ST, तो इस तरीके से स्टूपिड से आप याद रखेंगे सक्सिनेट, और सिली से आप याद रख सकते हैं सक्सिनिल कोएंजाइम। तो इस ट्रिक की मदद से सारे इंटरमीडिएट्स को आप लिख लीजिए, उसके बाद उसमें एरो मार्किंग कर दीजिए रिएक्शंस के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल स्टेप के अकॉर्डिंग, और उसके बाद नेक्स्ट कौन से रिएक्शन में क्या चीजें यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, क्या रिलीज हो रहा है, तो उसको किस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया हुआ है IAM, IAM में NADH बनता है उस रिएक्शन में, तो यहाँ पे I से क्या हुआ, I से हमने आपको बताया था I से इस, और यहाँ पे आइसोसिट्रेट, और A से यहाँ पे क्या हुआ, A से यहाँ पे दो A है, तो दो A में यहाँ पे ये A वाला जो A है वो सिस एक्विनिट्रेट से आता है, लेकिन ये वाला जो हम यहाँ पे ट्रिक के लिए बना है वो A से अल्फा कीटोग्लूट्रेट वाला है, तो A A से अल्फा कीटोग्लूट्रेट जिसमें NADH बनता है उस रिएक्शन में, और उसके बाद M, M जो है यहाँ पे ये M से क्या है मैलेट, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है NADH बन रहा है, तो जहां जहां पे भी स्टेप में IAM, तो यहाँ पे आप देख लो आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट और ऑक्सिलोसक्सिनेट के बीच का जो रिएक्शन है उसमें क्या बन रहा है NADH, और उसके बाद नेक्स्ट A से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, तो यहाँ पे भी NADH बन रहा है, और M, M से क्या हुआ यहाँ पे मैलेट, तो मैलेट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे NADH बन रहा है, तो किस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे और रिएक्शन क्या हो रहा है, तो आइसोसिट्रेट में जो कि क्या है सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये आइसोसिट्रेट में क्या हो रहा है इसका डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब इससे हाइड्रोजन जो है रिलीज हो रहा है, और ये हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है आइसोसिट्रेट से, तो NAD क्या कर रहा है NAD प्लस उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद कैस में कन्वर्ट हो जा रहा है NADH में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो NADH बन रहा है। इसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट का भी यहाँ पे क्या हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो NAD एक्सेप्ट कर रहा है, और NAD किस में कन्वर्ट हो गया NADH में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो एंजाइम जो इन्वॉल्व है वो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, इसी कारण से ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। और दूसरा हमने आपको बताया था M मैलेट का हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो इसी को हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, और ये हाइड्रोजन जो है कौन एक्सेप्ट कर रहा है NAD, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है NADH प्लस H प्लस में। अब आते हैं नेक्स्ट सिली, तो सिली में यहाँ पे GTP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिली से क्या था सक्सिनिल कोएंजाइम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम ए के आगे आपका रिएक्शन जो हो रहा है वो GDP से GTP में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टूपिड, यहाँ पे इसके लिए से क्या था सक्सिनेट, सक्सिनेट के डिहाइड्रोजिनेशन से बन रहा है FADH2, तो सक्सिनेट आप देख सकते हैं FAD से कन्वर्ट हो रहा है FADH2, मीन्स सक्सिनेट का हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, और उसको FAD फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये क्या कर रहा है ये एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन को, और उसमें कन्वर्ट हो रहा है FADH2। रिएक्शन जो है कौन सा हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और एंजाइम क्या इन्वॉल्व हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेस, और किसका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है सक्सिनेट का, तो एंजाइम का नाम क्या हुआ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। के बाद नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहला जो स्टेप है कंडेंसेशन स्टेप, वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, दूसरा डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, थर्ड हाइड्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे
हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल अगेन ऐड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑक्सलोसक्सिनेट से जब अल्फा कीटोग्लूटेट बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ से सिट्रेट से जब ऑक्सलोसक्सिनेट तक 6 कार्बन होते हैं बट अल्फा कीटोग्लूटेट जो है वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो ऑब्वियसली ऑक्सलोसक्सिनेट का एक कार्बन जो है रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अल्फा कीटोग्लूटेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जाता है। और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट रिएक्शन में अल्फा कीटोग्लूटेट से जब सक्सिनिल को एंजाइम में बनता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो 5 कार्बन से ये किस में कन्वर्ट हो गया, सक्सिनिल कोएंजाइम में, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, मींस टोटल 2 रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं साइकिल के अंदर, एक 5th और दूसरा 6th रिएक्शन में। ये क्या है, ये 6th रिएक्शन है यहाँ पे। इसी कारण से इस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट का, हाइड्रोजन निकल रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन यहाँ पे अगेन 9th रिएक्शन में हाइड्रोजन अगेन यूटिलाइज हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, किस तरीके से हम एंजाइम के नाम को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो साइकिल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सलोएसिटेट का एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है और किसका सिंथेसिस हो रहा है, सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है। तो क्या नाम होगा उसका, एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेस। नेक्स्ट है एकोनिटेस, यहाँ पे एकोनिटेस बन रहा है तो एकोनिटेट बन रहा है तो एंजाइम का नाम एकोनिटेस। अगेन थर्ड स्टेप में एकोनिटेस सेम एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एनएडी से एनएडीएच बन रहा है, तो जहां भी एनएडीएच बन रहा है, एफएडीएच बन रहा है, वहां पे आपको डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लिखना है, मीन्स डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है। और किसका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट है वो है आइसोसिट्रेट, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, हम आपको बताए थे, तो इसी कारण से एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है किसी मॉलिक्यूल से तो उस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्साइलेशन बोलते हैं, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्साइलेस। तो किसका डीकार्बोक्साइलेशन हो रहा है, मींस कौन से मॉलिक्यूल का, ऑक्सलोसक्सिनेट का, तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, ऑक्सलोसक्सिनेट डीकार्बोक्साइलेस। उसके बाद अगेन हम आपको बताए थे यहाँ पे एनएडीएच बन रहा है तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। इसके बाद नेक्स्ट है यही जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन में जीटीपी बन रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और एंजाइम क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सक्सिनिल थायोकाइनेस। तो जिस किसी भी रिएक्शन में एटीपी या जीटीपी बनता है तो वहां पे काइनेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और सब्सट्रेट क्या है यहाँ पे, सक्सिनिल है, तो एंजाइम का क्या नाम क्या है, सक्सिनिल थायोकाइनेस। इसके बाद नेक्स्ट है सक्सिनेट, सक्सिनेट से फिर यहाँ पे फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको बताया थे कि इस रिएक्शन में FADH2 बनता है, और जहां भी NADH और FADH2 ये सब बन रहा है तो वहां पे एंजाइम इन्वॉल्व क्या होंगे, डिहाइड्रोजिनेस। तो कौन से सबस्ट्रेट, सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट एंजाइम, यहां पे हाइड्रेशन हो रहा है, H2O ऐड हो रहा है, और यहां पे एंजाइम इन्वॉल्व है फ्यूमारेस। अगेन यहाँ पे मैलेट जब ऑक्सलोएसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है तो अगेन NADH बन रहा है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम किसका हो रहा है, सब्सट्रेट क्या है, मैलेट, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। तो इस तरीके से आप एंजाइम्स को भी इजिली याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इस रिएक्शन में जब पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, तो पायरुवेट का एक कार्बन जो है रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनएडी जो है कन्वर्ट होता है एनएडीएच में, मतलब पायरुवेट का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो एनएडी जो एक्सेप्ट करता है और एनएडीएच एच प्लस में वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्साइलेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एनएडीएच बन रहा है, तो हमने अगेन आपको बताया था डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि ये एंजाइम जो है पायरुवेट से एक कार्बन रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया किस तरीके से आप
TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल को याद कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से, और क्या क्या इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है और कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस नोट्स के PDF को डाउनलोड करना है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी में जाके वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप इस नोट्स के PDF को डाउनलोड करने का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। थैंक यू।